सो आई एम मॉर्निंग पर्सन, मुझे बहुत अच्छा लगता है सुबह उठ के धूप में बैठना, धूप सेकना जो बोलते हैं, एंड देन ऑफ कोर्स हैविंग सम चाय. आई एम ऑल्सो अ चाय पर्सन. कॉफ़ी भी बहुत अच्छी लगती है बट चाय के ऊपर कुछ नहीं, और उसमें भी अदरक वाली चाय ऐसे इतनी तीखी होनी चाहिए जो ऐसे गला जल जाए. एंड आई हेट इलायची वाली चाय, इलायची इन एनी थिंग एक्चुअली, वो चाहे बिरयानी हो, चाहे वो पेड़ा हो, खोया हो, चाहे कुछ भी हो, आई डोंट लाइक इट. I love keeping myself updated with what is going on in the country and in the world. Newspaper is a very, very important part of my morning routine. Another fun fact about me, I am obsessed with ironing clothes. मुझे स्टीव आयरन करना बहुत पसंद है. आई कैन डू दैट टू जस्ट रिज्यूविनेट माई सेल्फ, रिलैक्स करने के लिए ये कर सकती हूँ. आई टेक अ बंच ऑफ क्लोथ्स, आई जस्ट कीप स्टीमिंग देम और लाइक स्टीम आयरनिंग देम. इज इट वियर्ड? No, right? I love Brooklyn Nine-Nine. मैं उसको 50 बार देख चुकी हूँ सारे seasons, लेकिन फिर भी I can keep watching it again and again. और मुझे एक एक dialogue याद है उसके, Jake Peralta के और Amy के और you know, but I absolutely love it. याद है 90s में वो गेम बॉय होता था? आई लव दैट गेम बॉय. दिस इज़ वेरी सिमिलर टू इट. और मुझे वीडियो गेम्स बहुत पसंद है, पर वो PS या Xbox वाली नहीं, ये वाली. आई लव इट, सुपर मारियो. सो आई लव राइटिंग एवरीथिंग डाउन, चाहे जो भी हो, आइडियाज हो मेरे, या कितना खर्चा हुआ है, कितनी इनकम हुई है, या फिर यू नो एनीथिंग, एनी ऑफ माय थॉट्स. जर्नलिंग एग्जैक्टली नहीं बोल सकते, बट आई लाइक टू नोट एवरीथिंग डाउन, ताकि मैं कुछ भूल ना जाऊँ. और मुझे वो इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आपने सब लिख दिया है. इफ़ आई हैव डन अ मीटिंग एज वेल, तो फिर मैं अपनी यू नो बुक लेकर साथ में जाती हूँ. एंड एट अ टाइम आई हैव 4 डिफरेंट बुक्स. एक फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये है, इसके अंदर सारा हिसाब किताब होता है कि मतलब डे टू डे का, कि इसमें खर्चा कितना हुआ है, या कौन से शूट में यू नो कब किया शूट, उसके कितने पैसे हुए. सो दिस इज़ योर ऑलमोस्ट लाइक अ बैलेंस शीट. ये जो है, दिस बुक इज़ वेयर आइडियाज़ ब्लूम, तो इसमें सारे मेरे आइडियाज़ होते हैं. ये जो बुक है, दिस इज़ लाइक अ, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, आई लव दिस. ये नेटफ्लिक्स की तरफ से मिला था, फॉर गन्स एंड गुलाब्स. इसके अंदर मेरी सारी डेट्स और वो सब लिखा होता है कि व्हेन आई हैव व्हाट शूट. एंड देयर इज़ दिस वन स्क्रैपी बुक जिसके अंदर मेरे आइडियाज़ को ऐसे मैं स्ट्रक्चर करके डालती हूँ. जैसे अगर मुझे कोई इंटरव्यू देना है, या कोई टेड टॉक करना है, या कुछ रिकॉर्ड करना है, देन आई पुट डाउन माई थाट्स इन अ वेरी स्क्रैपी वे, एंड देन स्ट्रक्चर इट लाइक अ पाई चार्ट और लाइक अ फ्लो चार्ट. एंड या दैट्स व्हाट आई डू. यू नो आजकल सब लोग टेक्सटिंग करते हैं, व्हाट्सएप पर एक दूसरे को मैसेजेस करने लगे हैं. आई हेट टेक्सटिंग. आई थिंक टेक्सटिंग में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है. आई प्रेफर कॉलिंग पीपल एंड टॉकिंग टू देम. आई एम टोटली अ कॉल पर्सन, नॉट अ टेक्सटिंग पर्सन. यू नो देर इज़ समथिंग दैट माई मदर हेट्स अबाउट मी, इज़ दैट जब मैं कुछ बिजी होती हूँ, अपने फ़ोन में कुछ कर रही होती हूँ, या स्क्रिप्ट रीड कर रही होती हूँ, आई कीप डूइंग दैट, बाइटिंग माई लिप, एंड शी हेट्स इट. तो वो जब भी अगर मेरे साथ होती है तो शी कीप्स डूइंग दैट. नो, आई हेट गेटिंग स्टक इन ट्रैफिक. पर क्या करें, दिस इज़ अ बॉम्बे प्रॉब्लम. I guess this is a metro city problem, but yeah. But I love Bombay, Mumbai, whatever. It's a feeling. So I am an extroverted introvert, if that makes sense. So I hate meeting new people, but मेरा काम ऐसा है कि मुझे नए नए लोगों से मिलना पड़ता है, और
दोस्त तो नहीं कॉन्टैक्ट्स बनाने पड़ते हैं विच आई डोंट रियली लाइक और एंजॉय रादर बट या एक्सट्रोवर्टेड इंट्रोवर्ट. आज तक मुझे एक चीज़ कभी भी समझ में नहीं आई इज़ हाउ टू डू स्मॉल टॉक और हाउ टू मेक स्मॉल टॉक. वो कहते हैं ना हाय हेलो हाउ आर यू व्हाट्स हैपनिंग व्हाट्स गोइंग ऑन उसके आगे आप क्या बात करो किसी से मिलकर मुझे आज तक कभी समझ ही नहीं आया. सो इफ आई एम मीटिंग न्यू पीपल और इवन पीपल हु आई नो एक हद से ज़्यादा आई डोंट नो व्हाट टू टॉक. आई लव टू ड्राइव. मुझे गाड़ी चलाना बहुत पसंद है और इनफैक्ट मैं बाइक भी चला सकती हूँ मोटर बाइक बट आई लाइक टू ड्राइव ऑन लाइक लॉन्ग रूट्स जैसे यहाँ से बॉम्बे से लोनावला या मतलब लॉन्ग डिस्टेंस हो गया जहाँ चलाने में मज़ा भी आए बट बॉम्बे बीइंग बॉम्बे ट्रैफिक में फंसना आई हेट इट. इसलिए यहाँ पर इतना मैं ज़्यादा चलाती नहीं हूँ बट या आई लव बॉम्बे. वॉट टू डू मुंबई. मुंबई के ट्रैफिक में आप रिक्शा में बैठो या ऑडी में बैठो क्या फ़र्क पड़ता है. बैठा तो सेम ट्रैफिक में है सो यू जस्ट रादर चूज टू सिट इन अ रिक्शा एंड लाइक रीच क्विकली या नो. बट डोंट यू थिंक इट्स कंफर्ट एंड लग्जरी ओवर लाइक रीचिंग इन टाइम. आई मीन या ऑफ कोर्स हु डजंट माइंड अ लग्जरी. आई लव बोथ. मैं वो रिक्शा ट्रैवलिंग बस ट्रेन ट्रैवलिंग सब कर चुकी हूँ सो यू नो प्रेफर लग्जरी नाउ. आई टेल यू अबाउट माई पेट पीव. वो कुछ लोग होते हैं ना जब आपको कुछ बताने की कोशिश करते हैं तो पॉइंट पे नहीं आते हैं. पॉइंट के अलावा हर चीज़ की बात करते हैं दुनिया में. ऐसे इतनी कहानियाँ बुन लेंगे बता देंगे आगे क्या हुआ पीछे क्या हुआ लेकिन जो बात करना चाहते हैं बताना चाहते हैं उस पॉइंट पे नहीं आएंगे. आई कैन नॉट टॉलरेट सच पीपल. आई कैन नॉट ईट स्पाइसी फूड. I love it, but I cannot tolerate it. हाँ मीठा कितना भी दोगे ना मैं खा लूँगी पी लूँगी. आफ्टर ऑल हूँ तो गुजराती. और हाँ एक और चीज़ मुझे दूध बिल्कुल नहीं पसंद है. मैंने कहा था ना चाय पसंद है कॉफ़ी भी पसंद है मिल्क शेक भी पी लूँगी बट प्लेन दूध अगर मैंने स्मेल कर लिया तो मुझे वहीं मुझे पेंटिंग करना बहुत पसंद है. नहीं ये मैंने नहीं बनाई है बट पैंडेमिक में मैंने ये डिस्कवर किया था लॉकडाउन के टाइम कि मुझे पेंटिंग में बहुत मज़ा आता है और उस वक्त मैंने बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई भी थी. आई लव रीडिंग बुक्स. पहले मैं फिक्शन स्टोरीज़ बहुत पढ़ती थी क्राइम या फिर थ्रिलर स्टोरीज़ बहुत पढ़ती थी या रोमांटिक स्टोरीज़ पढ़ती थी बट अब आजकल मैं नॉन फिक्शन पढ़ने लगी हूँ एंड आई एब्सोल्युटली एंजॉय. ओह बाय द वे I love housing. I love it. I hate long nails. Absolutely hate it. Nail polish भी ज़्यादा पसंद नहीं है ये तो काम के लिए लगाना पड़ता है but I like clean nails. So I love wearing oversized clothes. Clearly. And अगर मेरा बस चलता तो मैं सिर्फ अपने भाई के टी शर्ट्स ही पहनती और उसके जो हुडीज़ है या उसके जो स्वेट शर्ट्स है या उसके ऐसे ओवर साइज़ टी शर्ट्स है उन्हीं में घूमती बट अब उसने बैन लगा दिया है मुझे अपने टी शर्ट्स को यूज़ करने देने पे. सो या लाइफ इज़ सैड नाउ. आई हेट सिटिंग इन द मेकअप चेयर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. मेरे में पेशेंस ही नहीं है तो जब भी मेरा मेकअप चल रहा होता है आई ऑलवेज टेल माय मेकअप आर्टिस्ट की प्लीज़ जल्दी जल्दी से कर लो बिकॉज आई कैन नॉट सिट एंड कीप डूइंग माय हेयर एंड मेकअप फॉर अ लॉन्ग टाइम. एक चीज़ है जिसके बिना मैं घर से नहीं निकलती विच इज़ ऑलवेज इन माय बैग एंड दैट इज सरस्वती जी गणेश जी लक्ष्मी जी. तो मुझे साड़ी पहनना बहुत पसंद है. मेरा बस चले तो मैं हर जगह साड़ी पहनूँ एंड आई कैन वेयर साड़ी इन लिटरली अंडर वन मिनट. वो भी नहीं रेडीमेड वाली नहीं खुद से प्लीट्स बना कर या जो कुछ भी करके. आई लव वेयरिंग अ साड़ी सो मच दैट आई हैव सो मेनी ऑफ देम एंड एक्चुअली आई शुड डू अ वीडियो ऑन जस्ट माई साड़ी कलेक्शन. व्हाट्स इट. माई फेवरेट कलर इज येलो एंड सेकेंड फेवरेट कलर इज ऑरेंज. येलो एंड ऑरेंज ऑल शेड्स ऑफ येलो एंड ऑरेंज एंड गोल्डन एंड
whatever other colors in that spectrum, I loved. So I love animals, koi bhi animal, but especially dogs, cats, elephants. I love elephants. मेरा अपना घर पे pet dog भी है, his name is Toto, और उसका अपना account भी है Instagram पे Toto Gaur. But yeah, I love animals. I think animals बहुत ही honest होते हैं, उनमें इतनी प्योर एनर्जी होती है, इतनी पॉजिटिव एनर्जी होती है, और उनमें इतना प्यार होता है आपको देने के लिए. बस इतना सा प्यार दिखा कर देखो और फिर देखो, वो आपको इतना सारा प्यार देंगे. So yeah, I love animals. So now you guys tell me if this is weird or not. I have to leave home only at the multiples of 5. Yani ki jaise abhi 6:30 ho rahe hain, to it's like 6:30 ya 6:35 ya 6:40 ya 6:45. I cannot leave at 6:12 or 6:03 or 6:32. I don't know why, but it irritates me to do that. So yeah, tell me in the comments, is it weird?